प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में क्या यूज है। आइए देखते हैं। टू एक्सप्रेस द एक्शंस दैट हैपेंड लॉन्ग अगो, क्या मतलब हुआ? कोई काम अगर पास्ट में बहुत समय पहले हुआ तो उसको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। फाइन, जैसे आई हैड मेट निहारिका 7 इयर्स अगो, 7 साल पहले मैंने निहारिका से मिला था। अब यहाँ पे क्या है, ये काम बहुत पहले हुआ है, ठीक है? पास्ट में तो हुआ ही है, पास्ट में भी बहुत पहले हुआ है। ओके, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट, कोई काम होने से पहले कोई दूसरा काम हो चुका हो तो उसके लिए भी हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे वेन आई रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, द बेल हैड रंग, घंटी लग चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। यहाँ पे क्या हुआ, एक काम है घंटी का बजना और दूसरा स्कूल पहुंचना, एक काम दूसरे से पहले हो रहा है। कौन से काम पहले हुआ? घंटी पहले बजी और उसके बाद स्कूल पहुंचा, ठीक है? चलिए अब स्ट्रक्चर समझते हैं अच्छे से क्या है। अगर एक ही काम दिया हो, अगर काम एक ही हो तो हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट है वर्क कर थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है। अब एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो कोई भी सब्जेक्ट हो सब में हम लोग हैड ही लगाएंगे। ओके, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल हो, ही, शी, इट, सिंगुलर, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड। फाइन, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? अगर एक ही काम दिया हो सेंटेंस में, एक ही वर्ब हो तो हम लोग क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? अगर अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, निगेटिव होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट है नॉट, वी थ्री, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा तो हैड पहले आएगा, हैड सब्जेक्ट वी थ्री ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएगा, उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला रूल फॉलो होगा। तो डब्ल्यू एच वर्ड, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन वी थ्री, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, ये तो इजी है। चलिए, कभी कभी क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में दो काम होते हैं, एक काम दूसरे से पहले होता है, ठीक है? उसको दो तरीके से बता देते हैं। अब यहां पे देखिए, एक ही वर्ड दिया हो तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है? जैसे मैंने खाना खा लिया था, यहाँ एक ही काम हो रहा है ना, खाना खाना। लेकिन यहां देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यहाँ दो काम हो रहा है, चोर भाग चुका और पुलिस के आने, पुलिस का आना और चोर का भाग जाना, दो काम हो रहा है ना। लेकिन इसमें देखिए, मैंने खाना खा लिया, इसमें एक ही काम हो रहा है, खाना खाना। ओके, तो ये है डिफरेंस। अगर एक ही हो काम तो हम लोग ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। अगर काम दो हो जिसमें से एक पहले हो रहा हो और दूसरा बाद में हो रहा हो तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। If one work had been done before the other, एक काम दूसरे से पहले हुआ हो तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। हम लोग देखें, पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं और वी थ्री लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, देन बिफोर लगाएंगे और उसके बाद सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, अब पहले क्या होगा तो बिफोर, अगर सेंटेंस में पहले लिखा हो तो बिफोर, अगर सेंटेंस में जब लिखा हो तो वेन। तो जब के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे वेन के साथ, उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, चलिए हम लोग एग्जाम्पल में समझे, एग्जाम्पल में समझेंगे अच्छे से, ठीक है? तो हम लोग क्या समझे, अगर एक वर्क होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, अगर दो वर्क होगा तो हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। वन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद करना है, पहले वाला जो सेंटेंस होगा, इसमें पहले लिखा होगा तो उसमें पहले के बाद वाला जो होता है उसको हम लोग पहले बनाते हैं, और पहले जो लिखा होता है उसको बाद बनाते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है? हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। ओके, चलिए कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में है, तो सेंटेंस के लास्ट में क्या हुआ, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आ था, ये थी, ये थे, एटसेट्रा अगर लगा हो
तो हम लोग समझेंगे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है। ओके चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से इस स्ट्रक्चर को समझेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। ठीक है चलिए देखते हैं। मैंने खाना खा लिया था, एक ही काम है तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट यही होता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगा और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए बनाइए स्ट्रक्चर सिंपल अपर पैटिव सेंटेंस है। पहले क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मैंने यानी आई। ओके आई, इसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। इसके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, कौन सा, तीसरा, खाना खा लिया, ईट, ईट मींस खाना। तीसरा फॉर्म क्या होगा, ईटेड। इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, क्या लिखेंगे, फूड। तो क्या सेंटेंस बना, आई हैड ईटेड फूड। ओके चलिए, आप पटना नहीं गए थे, ये थे पास्ट परफेक्ट। ठीक है चलिए, इसमें निगेटिव है तो क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट लगाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आप यानी यू, यू। अब हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद गए थे, जान मींस गो, गो का तीसरा फॉर्म क्या होगा, गॉन। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पटना, तो गॉन टू पटना। ओके इजी है। ठीक है चलिए, क्या हुआ, कोलकाता घूम चुका था, क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, यस नो क्वेश्चन है तो, सिंपल क्वेश्चन है तो, इंट्रोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो सामने हैड ही होगा, है। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही, हैड ही। इसके बाद घूम चुका, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, घूमना, विजिट, विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड, विजिटेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ घूमा, कोलकाता, यहाँ पर लिखेंगे कोलकाता, देन क्वेश्चन मार्क। ओके तो क्या बना सेंटेंस, हैड ही विजिटेड कोलकाता। ओके चलिए अगला सेंटेंस है, तुम बाहर क्यों गए थे। अब ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, क्या करते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन में, डब्ल्यू एच वर्ड लिखते हैं, इसके बाद इंट्रोगेटिव जैसा बनाते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई, वाई। ओके इसके बाद इंट्रोगेटिव का बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब देव सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या हो जाएगा, है, वाई है। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू, वाई है यू। अब क्या होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म क्या होगा, गए थे यानी गोन, वाई हैड यू गोन, कहाँ गए थे, ऑब्जेक्ट क्या है, बाहर यानी आउटसाइड, देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना सेंटेंस, वाई हैड यू गोन आउटसाइड। ओके चलिए अब देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब यहाँ पे देखिए दो काम हो रहा है, पुलिस का आना और चोर का भागना, दो काम हो रहा है ना, तो अब क्या करेंगे, अब ये वाला एक वाला, एक वर्ग वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा, अब दो वर्ग वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, जिसमें एक पहले हो रहा है दूसरा बाद में हो रहा है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या लगा हुआ है, पहले है या जब है, देखिए यहाँ पहले है और यहाँ जब है, जब डॉक्टर आया रोगी मर चुका था, ये भी दो काम है, दो काम है इसमें। ठीक है चलिए, तो अब क्या करेंगे, पहले वाले का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वाले में क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट किस में लगाते हैं, जिसमें चुका था चुकी थी होगा वही लगाएंगे ना। पास्ट परफेक्ट टेंस लगाने के लिए क्या करेंगे, चुका था किस में है बताइए, चोर भाग चुका था, इसमें चुका था लगा हुआ है तो इसको पहले बनाएंगे। ठीक है तो क्या बनेगा, चोर भाग चुका था, द थीफ, द थीफ। पास्ट परफेक्ट बनता है उसमें हैड लगता है, हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, तो है लगा दीजिए। इसके बाद भाग जाना, भाग जाना क्या होगा, फ्लेड अवे, फ्लेड अवे। तीसरा फॉर्म क्या होगा, फ्ली अवे का तीसरा फॉर्म फ्लेड अवे। ठीक है तो
बन गया चोर भाग चुका था। पास्ट परफेक्ट देखिए स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनाएंगे। अब पास्ट परफेक्ट टेंस किसका बनाएंगे? पुलिस का आना है, चोर भाग चुका था, इसका किसका बनेगा? पुलिस के आने से या चोर भाग चुका था? चुका था किसमें लगा हुआ? इसमें लगा हुआ ना, तो ये बनेगा ना पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको बना दिया था थीम हैड प्लेड अभी पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये वाला सेक्शन मेरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब क्या लगाएंगे? बिफोर लगाइए, यहाँ पे बिफोर, बिफोर। अब इसके बाद क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो अब सिंपल पास्ट टेंस किसका बनेगा? पुलिस के आगे इसका सिंपल पास्ट टेंस बनेगा। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा? पुलिस के आने, यानी द पुलिस, द पुलिस। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है बताइए? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, याद कीजिए। तो क्या होगा? कम का सेकंड फॉर्म क्या होगा? केम। तो क्या बना सेंटेंस? द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। ओके, चलिए ये था पहले वाला। ठीक है, अब देखते हैं जब वाला का क्या करेंगे। जब वाले क्या करेंगे? वेन, वेन लगाएंगे, और उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, और उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? जब यानी वेन, वेन के बाद क्या करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस किसमें लगेगा? रोगी मर चुका था या डॉक्टर आया, किसमें लगेगा? रोगी मर चुका था या चुका था है, तो इसमें तो पास्ट परफेक्ट लगेगा ना, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा सिंपल पास्ट। तो अभी हम लोगों को वेन के बाद क्या लगाना है? वेन के बाद सिंपल पास्ट टेंस यूज करता है, यानी हम लोगों को ये वाला पार्ट बनाना होगा। ओके, ये वाला पार्ट बनाना होगा ना, कैसे बनाएंगे? वेन, डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। ओके, चलिए वेन हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। अब एक कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगा दिया, अब क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट यानी चुका था किसमें होगा? वही बनेगा, इसमें चुका था लगा हुआ है, तो इस पार्ट को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ओके, तो कैसे बनेगा? रोगी मर चुका था, इसमें सब्जेक्ट क्या है? रोगी, तो लिखेंगे द पेशेंट, द पेशेंट। अब पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, हम लोग यहाँ पे हैड लगाएंगे, द पेशेंट हैड। क्या होगा? मर चुका था, डाइड। तो क्या बना सेंटेंस? वेन द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। वेन द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड। तो आई बात समझ में? अगर एक काम होगा तो ये तो इजी है, ये आप लोग कर लोगे। दो काम वाला सेंटेंस होगा, दो, जिसमें से एक पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है, तो क्या करेंगे? अगर सेंटेंस में पहले मिलेगा लिखा हुआ, तो क्या करेंगे? सेंटेंस में पहले लिखा हुआ मिलेगा तो हम लोग पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, और उसके बाद सिंपल पास्ट। अब पास्ट परफेक्ट बनाना है तो इसको तो बनाएंगे नहीं, चुका था इसमें लगा हुआ, तो इसका बनाएंगे ना पास्ट परफेक्ट, इसका बना दिए, इसके बाद बिफोर लगा दिए, और फिर पुलिस का आना, इसको हम लोग सिंपल पास्ट में बना दिए। अब सेकंड है जब लगा हुआ, जब रहेगा तो क्या करेंगे? वेन, इसके बाद सिंपल पास्ट, देन कॉमन, देन पास्ट परफेक्ट। अब वेन हो जाएगा तो सिंपल पास्ट किसका बनाएगा? रोगी मर चुका था या डॉक्टर आया, किसका बनेगा? रोगी मर चुका था क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट बनेगा, लेकिन हमें तो वेन के बाद सिंपल पास्ट लगाना है, यानी इस पार्ट को हम लोग सिंपल पास्ट बनाएंगे, एक कॉमा लगाएंगे, और बच गया ये, तो इसको हम लोग, इसमें चुका था लिखा हुआ है, इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।